वेलकम टू माय चैनल फूडी एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं रसगुल्ला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 लीटर दूध और इसको गैस में चढ़ा दिया है उबालने के लिए। देखिए दूध जो है ऑलरेडी उबालना स्टार्ट हो गया है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 टीस्पून लेमन जूस और उसके साथ ऐड कर लिया है 2 टीस्पून वाटर। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करके इसको चलाती जाऊंगी। आप नींबू के बदले यहाँ पे कर्ड या तो फिर विनीगर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए छेना जो है ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है, अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी। वाटर को स्ट्रेन करने के लिए एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया है, अब मैं इसको ये पानी को स्ट्रेन कर लूंगी। अब इस छेना को मैं नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि इसका जो खटास है वो ना रहे। अब इसका जो पानी है उसको मैं ऐसे स्क्वीज कर दूंगी। अब मैं इसको कहीं भी हैंग करके 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी। रसगुल्ले की चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 कप शुगर और मैं इसमें ऐड कर दूंगी 5 कप पानी। ये पानी का क्वांटिटी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पानी कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे उबालने के लिए रख दूंगी। तो आफ्टर 30 मिनट्स ये देखिए ये बिल्कुल पानी जो है पूरा इससे निकल गया है, जिसको मैं इस प्लेट में निकाल देती हूँ। अब इसको हाथ के इस जगह से ऐसे इसको अच्छे से मसलना है। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से ऐसे मसल लेंगे। तीन से चार मिनट के बाद ये देखिए इसमें जो फैट है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। जब छेना में से फैट निकलना स्टार्ट हो जाए तब हमको मसलना बंद कर देना चाहिए। अब इसमें से मैं ऐसे छोटे छोटे लुई बना लूँगी, इसको अच्छे से ऐसे राउंड शेप देना है। ये देखिए एक बन गया है, अब सारे मैं ऐसे ही बना लूँगी। रसगुल्ले बनाने के लिए बॉल्स बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम में उबाल लिया है। रसगुल्ले को ऐसे मैं दे दूंगी। तो अभी इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पे ढक के रख देंगे। 15 मिनट्स बाद चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए रसगुल्ला कितना अच्छा से बड़ा बड़ा होके फूल गया है। थोड़ा सा आगे पीछे कर दूंगी। अब इसको ऐसे ही 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद देख लेते हैं कि रसगुल्ला अच्छे से हुआ है कि नहीं। वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी में पानी। अब ये छोटे से रसगुल्ले को मैं पानी में डुबो देती हूँ। ये रसगुल्ला जो है ये देखिए ये बिल्कुल पानी के अंदर चला गया है, दैट मीन्स रसगुल्ला बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं वापस इस रसगुल्ले को इसमें डाल दूंगी और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये रसगुल्ला कितना बड़ा बड़ा और कितना अच्छा बना है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे तक ऐसे ही रख दूंगी। बन गया है रसगुल्ला। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।